बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, हम सब के बच्चों के लिए लॉन्ग मार्च शुरू किया और कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन मुल्क को बचा लूंगा, और वाकई उन्होंने अपनी जान नजराना दी। वजीराबाद के मौके पे इन गासिबों ने, कातिलों ने उन पर कातिलाना हमला किया। आप सबकी दुआओं से माशाल्लाह वो बच गए और अब ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि मकसद चलता रहे। तो लॉन्ग मार्च कल से दोबारा मंगल से 8 नवंबर को 2 बजे उसी मकाम पे वजीराबाद के जहां उनको गोलियां लगी थी दोबारा शुरू हो रहा है। मैं सारे अपने वर्कर्स, सपोर्टर्स और पब्लिक को कहती हूं कि खान साहब को कमी ना महसूस होने दें, जिस नंबर से पहले आए उससे डबल आए, ताकि खान साहब को यह एहसास हो कि उनकी कुर्बानी रायगा नहीं जा रही। मैं आप सबको खान साहब के बिहाफ पे अपील करती हूं कि आपने अपने लिए, मुल्क के लिए, खान साहब के लिए कल दिखा देना है कि कौम खड़ी है, ना रुकेगी, ना डरेगी, ना झुकेगी। 8 नवंबर 2 बजे वजीराबाद, इंशाल्लाह। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।